subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, इस वीडियो में हम 2:1 मल्टीप्लेक्सर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। 2:1 मल्टीप्लेक्सर का ये पिन डायग्राम है। 2:1 मल्टीप्लेक्सर में दो इनपुट रहते हैं, एक एनेबल पिन है ई और एक आउटपुट रहता है और एक सेलेक्ट लाइन रहती है। इसका ये फंक्शन टेबल है। अगर एनेबल पिन 0 रहती है तो हमारा जो आउटपुट रहता है वो 0 रहता है। अगर एनेबल पिन 1 रहती है और सेलेक्ट लाइन 0 रहती है तो आउटपुट D0 आता है। D0 मीन्स पहला वाला इनपुट। एंड अगर एनेबल पिन 1 रहता है, सेलेक्ट लाइन 1 रहता है तो हमारा आउटपुट D1 आता है, मीन्स सेकेंड वाला। इसका ये ट्रुथ टेबल है। एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पर लॉजिक डायग्राम है। अब हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। 2:1 मल्टीप्लेक्सर के प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास एक ब्रेडबोर्ड होना चाहिए, हमारे पास एक LED होना चाहिए, एक DC पावर सप्लाई होना चाहिए एंड और एंड नॉट IC। ये तीनों बेसिक गेट्स की हमारे पास ICs होनी चाहिए। एंड देन फाइनली हमारे पास कुछ वायर्स होने चाहिए। मैं इस प्रैक्टिकल में जंपिंग वायर्स यूज करने वाला हूँ। अगर आप लोगों के पास कनेक्टिंग वायर्स है तो आप लोग उसे भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड में कनेक्शन करेंगे। ब्रेडबोर्ड में सबसे पहले हम ICs फिट करेंगे। इसके अंदर देखिए हमारे पास हमें एक नॉट गेट चाहिए, एक एंड गेट चाहिए और एक और गेट चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एंड गेट फिट करेंगे। एंड गेट की IC होती है IC7408। सबसे पहले हम इसे ब्रेडबोर्ड में फिट करेंगे। ब्रेडबोर्ड में IC को कनेक्ट किस तरह करते हैं, ये सभी बेसिक चीजें मैंने प्रीवियस वीडियोस में लाइक एंड और एंड नॉट गेट के वीडियोस में बताई है। उन वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, तो आप लोग उन वीडियोस को पहले देख लेना अगर आपको ब्रेडबोर्ड ICs एंड LED की बेसिक्स नहीं आती है। तो एंड गेट के बाद हम यहाँ पे नॉट गेट कनेक्ट करेंगे IC7404। नॉट गेट की IC कनेक्ट करने के बाद हम फाइनली एक और गेट की IC कनेक्ट करेंगे IC7432। तीनों ICs कनेक्ट करने के बाद अगर हम इसका लॉजिक डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे जो पहला एंड गेट है इसके अंदर D0 एंड S0। देखिए यहाँ पे S एंड यहाँ पे एक नॉट गेट है। सो यहाँ पर जो इनपुट जा रहा है वो S0 है। सो हमें सबसे पहले नॉट गेट से S0 एंड गेट को इनपुट देना होगा। सो S0 के लिए हमें एक वायर नॉट गेट पर फर्स्ट टर्मिनल पर कनेक्ट करना होगा। एंड देन यहां से जो हमें आउटपुट आएगा वो रहेगा S0। एंड इस आउटपुट को हम जो हमारा एंड गेट है उसके फर्स्ट टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। सो हमने क्या किया, अभी S0 एंड गेट को कनेक्ट कर दिया, ये हमारा S है। अब D0 हमें एंड गेट पर कनेक्ट करना है। सो D0 के लिए हम एक येलो वायर यूज कर रहे हैं। D0 को हमें सेकेंड टर्मिनल पर कनेक्ट करना है एंड गेट के। अब इसका जो आउटपुट है वो हमें और गेट को एज अ इनपुट देना है। सो इसका आउटपुट आएगा थर्ड टर्मिनल पर। सो थर्ड टर्मिनल पर मैं एक वायर कनेक्ट करता हूँ एंड देन इसे और गेट के फर्स्ट टर्मिनल पर एज अ इनपुट देना है। हमने ये ऊपर का पार्ट डिजाइन कर दिया, अब हमें ये नीचे का जो पार्ट है, नीचे का एंड गेट, इसे डिजाइन करना है। देखिए अगर इस लॉजिक डायग्राम देखेंगे तो इस एंड गेट पर S एंड D1 एज अ इनपुट है। सो हम दो वायर्स लेंगे। सबसे पहले हम इसे D1 इनपुट देंगे। D1 के लिए मैं एक ब्लैक वायर यूज कर रहा हूं। D1 को हमें कहां पर कनेक्ट करना है, ये जो एंड गेट है इसके फोर्थ टर्मिनल पर। एंड देन S को हमें फिफ्थ टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। सो S के लिए देखिए यहां पर हमने रेड वायर जो था वो इनपुट दिया था S। सो रेड वायर हमने फर्स्ट टर्मिनल पर कनेक्ट किया था। सो फर्स्ट टर्मिनल पर हमें एक वायर कनेक्ट करना है, वो S रहेगा। एंड इस S को हमें फिफ्थ टर्मिनल पर कनेक्ट करना है एंड गेट के। इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा सिक्स टर्मिनल से। सो इस सिक्स टर्मिनल से हमने आउटपुट लिया एंड इस आउटपुट को हम और गेट को एज अ इनपुट देंगे। और गेट के सेकेंड टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। एंड देन
और गेट के थर्ड टर्मिनल पर हमें आउटपुट आएगा। आउटपुट इंडिकेट करने के लिए हम एक एलईडी यूज करेंगे। सो मैं यहाँ पर एक एलईडी कनेक्ट कर देता हूँ। एलईडी किस तरह कनेक्ट करते हैं ये सभी चीजें मैंने बेसिक गेट्स की वीडियोस में एक्सप्लेन की है, सो उन वीडियोस को आप लोग देख लेना। उन वीडियोस के लिंक इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। अब हमें सारी आईसीज का ग्राउंड एंड वीसीसी कनेक्शन करना है। देखिए ग्राउंड कनेक्शन हो गया एंड देन अब हमें सर्किट को डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है। सो डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए हम दो वायर यूज करेंगे। एक वायर को हम वीसीसी पर कनेक्ट करेंगे एंड दूसरे वायर को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। ये जो हमने वीसीसी पर वायर कनेक्ट किया ऊपर वाला, इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे जो डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है। सो इसे हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया एंड देन ये जो ग्राउंड पे जिस वायर को हमने कनेक्ट किया था इसे हम नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो S है मींस ये जो येलो वाला वायर है हमारा पहला वाला वायर, ये D0 को इंडिकेट कर रहा है। ये जो ब्लैक वाला वायर है ये D1 है एंड देन ये जो रेड वाला वायर है ये S है। अगर हम S का वैल्यू 0 रखते हैं मींस S को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं एंड D0 को हम D0 जो हमारा येलो वाला वायर है अगर हम इसे 0 रखेंगे तो देखिए एलईडी ऑफ है, और अगर हम इसे 1 कर देते हैं तो एलईडी ऑन हो जाएगी। देखिए क्योंकि जब S का वैल्यू 0 होता है और D0 का वैल्यू 1 होता है तो एलईडी ऑन रहती है। उसी तरह अगर हम S का वैल्यू 1 कर दें, सो S का वैल्यू 1 करने के लिए हमें जो रेड वाला वायर है इसे यहाँ 0 से हटा के इसे हमें 1 करना है। सो हम इसे VCC से कनेक्ट कर देंगे एंड देन अब हम D1 का वैल्यू, D1 क्या है ये ब्लैक वाला वायर, D1 का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो आउटपुट हमारा 0 मीन्स LED ऑफ रहेगी। सो देखिए D1 का वैल्यू मैं 0 करता हूँ तो LED ऑफ है, और अगर D1 का वैल्यू मैं 1 करता हूँ तो देखिए LED ऑन हो जाएगी। क्योंकि जब S 1 रहता है, D1 1 रहता है तो हमारा आउटपुट 1 आता है। सो फ्रेंड्स ये था 2:1 मल्टीप्लेक्सर का इम्प्लीमेंटेशन। आई होप आपको समझा होगा। अगर इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।